शिवपुरी से गुनागई बारात पर अपराधियों ने हमला कर दिया। वहीं हमला करने का कारण पास से जा रही युवती को चाटना मारना सामने आ रहा है। वहीं हमले में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक युवक के सिर में फर्शा लगने से 10 टाके आए हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार शिवपुरी से गुनागई बारात पर उस समय इकट्ठा होकर लोगों ने हमला कर दिया, जब बारात मुख्य बाजार से होती हुई हड्डी मिल इलाके में पहुंची। बताया जा रहा है कि पारदी समाज की एक लड़की पास से गुजर रही थी, तभी शराब के नशे में युवती को किसी ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद युवती ने घर जाकर परिवारजनों को यह बात बताई। सब लोग इकट्ठा होकर आए और बारातियों पर लाठी डंडों और फर्शे से हमला कर दिया। इसमें 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बारात में शामिल चानू खान ने बताया कि वह सब डांस कर रहे थे, तभी अचानक कुछ लोग इकट्ठा होकर आए और लाठी डंडे फर्शे से हमला कर दिया, जिससे सोनू खान के सिर में फर्शा लग गया। वहीं शानू खान के सिर में 10 टाके आए। वहीं अन्य घायलों का भी जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायलों ने बताया कि मोहन सिंह पारदी द्वारा यह हमला किया गया है। हमले के दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और यह पूरा वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। क्या नाम है आपका भैया? शानू खान। क्या घटना हुई थी हड्डी मिल में अभी? सर डांस कर रहे थे हम। जी डांस करते में आगे फर्शा मारा। किसने? मोहन सिंह पारसी था कोई। मोहन सिंह पारदी? हाँ नाम पता चला मुझको। क्या? इसलिए मैं नाम बोल रहा हूँ, मोहन सिंह पारसी। अच्छा चलो, इसलिए मैं उसका नाम बता रहा हूँ आपको। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम रामवीर जाटा है, मैं पार्षद हूँ वार्ड क्रमांक 21 का। जी क्या घटना हुई है गार्ड में? ये हुई है, अभी वहाँ पे बारात आई थी शिवपुरी से मुस्लिम समाज की, वहाँ का मैं पार्षद हूँ, तो वहाँ पे जो मोहन सिंह पारदी और जो कुछ लोगों ने बारात रोक दी, कोई छेड़खानी करी है और कुछ लोगों से पैसा की झुमा झमकी भी करी है, उसके विरोध में उनका विरोध किया तो उन्होंने तलवार से और क्या हुआ था बका से उनकी जो गर्दन काट दी, तो इनके बाहर ठाके आए और भी घायल है। अच्छा तो आपके पास क्या सबूत है? जो वीडियो आई है मेरे पास, इसमें वीडियो आ गई उसकी, और जो विक्रम तो हमारे सांसद प्रतिनिधि पे घटना पे मौके पे देख रहे थे, उनके भी चोटें आई, उनका भी मेडिकल हो। ठीक है।